फीट 3 घंटे। जी हां, टावर पर जान देने को उतारू एक इंसान और नीचे बिलखते घर के लोग। मामला ऐसा जिसके बारे में जिसने भी सुना वो मौके पर पहुंच गया। क्या निकला इसका हल, आइए देखते हैं। पिता के लिए मासूम की आवाजें, रो रो कर पापा को बुलाती बेटी, बेटे को मुश्किल में देख मां का हुआ बुरा हाल। टावर पर चढ़े इंसान को नीचे लाने की मिन्नतें, ये आवाजें किसी के भी दिल को चीर सकती हैं, ये मिन्नतें किसी का भी कलेजा तार तार कर सकती हैं, टोटली जुबान किसी को भी सोचने पर मजबूर कर सकती है। टावर की ओर देख कोई भी बेहाल हो सकता है। कुछ लोग सोच रहे होंगे कि आखिर हुआ क्या है जो इन बच्चों को और इस माँ का बुरा हाल हो चुका है। आखिर क्या वजह है जो हर कोई फोन पर फोन मिलाया जा रहा है। हम आपको बता दें, ये कहानी इतनी सीधी नहीं जितनी नजर आ रही है। 40 फीट से ऊंचे टावर पर चढ़ा ये आदमी बता रहा है कि उसने ये कदम तब उठाया जब उससे वो करवाया गया जो उसे नहीं करना चाहिए। चीख चीख कर ये कह रहा है, जब कोई सरकारी कर्मचारी अपने मातहत को सरकारी काम के बजाय निजी काम में लगाता है तो हालात ऐसे भी बन सकते हैं कि कोई मजबूर होकर अपनी जान देने पर उतारू हो जाए। टावर पर चढ़ जाने को उतारू इस आदमी का नाम है भूरे आठिया। दमोह के बतियागढ़ का वो कोटवार जिसकी जिंदगी कुछ वक्त पहले आराम से बीत रही थी, लेकिन इलाके के एक पटवारी गणेश तिवारी ने इसके मान सम्मान के साथ घर की खुशियों में भी आग लगा दी। पटवारी ने सरकारी काम कराने के बजाय इसे अपने घर के काम में लगा दिया। जब भी जी में आता बिगाड़ करने के लिए भेज दिया जाता। उसके खिलाफ कुछ कहने की हिमाकत की तो तनख्वाह भी रोक ली जाती, तनख्वाह मांगी तो मारने पीटने पर उतारू हो जाता। 2 महीने से वेतन न मिलने पर मंगलवार को दिल में ऐसा गुबार उठा कि खुद को ही मुसीबत में डालने का कदम उठा लिया। भूरे मोबाइल के टावर पर चढ़ गया। नीचे खड़े लोग उससे नीचे आने के लिए कहते रहे, लेकिन भूरे कुछ सुनने को तैयार ही नहीं था। घर वालों ने देखा तो हाल बेहाल हो गया। मासूम बेटा पिता से नीचे उतरने को कह रहा था तो बेटी भी आने के लिए पुकार रही थी, और जिसका बेटा जिंदगी और मौत के बीच फंसा हो उसका तो और भी रो रो कर बुरा हाल था। करीब 12 बजे टावर पर चढ़ा भूरे
एक दो नहीं बल्कि तीन घंटे तक जान देने की धमकी देता रहा। उसका कहना था कि पटवारी ने उसका जो हाल किया है उसके बाद उसके पास कोई और चारा नहीं बचा। वो कभी कूदने की बात कहता तो कभी रस्सी का फंदा लगाकर फांसी चढ़ जाने की बात कहता। सरपंच से लेकर बड़े बड़े अधिकारी आ गए, समझाने की कोशिशें हुई लेकिन कोई असर नहीं। टावर पर उसकी हरकत दिलों की धड़कन और बढ़ा रही थी। भूरे अपने साथ शराब भी ले गया था जिसे पीने के बाद उसकी हरकतें और बिगड़ गईं। इसके बाद तहसीलदार ने आकर टावर पर चढ़े भूरे से बात की, उसकी बातें भी मान ली गईं। पटवारी गणेश तिवारी को हटाकर दूसरे पटवारी कमलेश जैन को पदस्थ करने का आदेश दिया गया। इसके बाद कोटवार भूरे जान न देने को तैयार हुआ। जैसे तैसे वो नीचे उतर रहा था, लोगों की बेचैनी कम हो रही थी। कुछ देर बाद जब वो नीचे उतर गया तब जाकर घर वालों की जान में जान आई। वहां से हटा दिया गया है और आज शांति है। उसकी वही पटवारी से भी पटवारी परेशान करता है, मुख्य समस्या उसकी पटवारी से भी। कई घंटे बाद एक खतरनाक बनती जा रही कहानी का अंत हुआ। कोटवार को मुंह मांगी मुराद मिल गई, बच्चों को पिता मिल गए और बिलखती माँ को बेटा। लेकिन ये पूरा किस्सा बड़ा सवाल उठा गया, क्यों बड़े स्तर के कर्मचारी नीचे वालों को अपना निजी काम करने को कहते हैं? बिना बात किसी का वेतन रोकने पर पटवारी से ऊपर के अधिकारियों ने ध्यान क्यों नहीं दिया, ये जानने की कोशिश नहीं की कि कोटवार का वेतन क्यों रोका जा रहा है। सवाल ये भी कि कोटवार की मांगे मानी जाएंगी या उसके खिलाफ भी कोई कार्रवाई की जा सकती है, क्योंकि आत्महत्या की कोशिश करना भी एक अपराध है। समय के लिए दमोह से आजम खान।